हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे ही होंगे। तो अभी हमें पाकुड़ स्टेशन में, जो कि ये झारखंड में पड़ती है, ये पाकुड़ स्टेशन, और यहाँ से कुछ दूर 5 किलोमीटर आप लोग बोल सकते हैं, पहले बंगाल और झारखंड का बॉर्डर रहता है, जहाँ से अगर आप लोग क्रॉस कीजिएगा तो आपका मोबाइल में मैसेज आ जाएगा। बंगाल झारखंड का मतलब आप लोग बॉर्डर क्रॉस कीजिएगा तो पता चल जाएगा कि आप लोग बंगाल में आ चुके हैं या झारखंड में जा चुके हैं, ये पता चल जाता है मैसेज के द्वारा। हम पाकुड़ स्टेशन पे हैं और पाकुड़ स्टेशन पे यहाँ से अभी मालगाड़ी खुल रही है और अभी आप लोग को हम दिखाएंगे यहाँ पे पाकुड़ स्टेशन पे यहाँ पे कैसा सीन है। और जो कि 7 महीना 8 महीना पहले भी एक वीडियो हम अपलोड किए हैं पाकुड़ स्टेशन का, और उस टाइम से अभी तक लेके पाकुड़ स्टेशन का कुछ ज़्यादा ही बदलाव हुआ है, तो वो आप लोग को दिखाएंगे वो क्या चीज़ बदलाव हुआ है पाकुड़ स्टेशन में। और यहाँ पे दिखाएं तो झारखंड में कोयला का यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे मतलब कोयला का खदान वगैरह रहता है, तो इसीलिए यहाँ से कोयला कुछ ज़्यादा यहाँ से जाते हैं। अगर आप लोग को यहाँ पे मालगाड़ी दिखाएं तो मैं मालगाड़ी ट्रेन में आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, अभी कोयला ही रखा हुआ है। तो चलिए आप लोग को आगे जाके दिखाते हैं ये कैसा सीन है। आप लोग को मार्केट भी घुमाएंगे, थोड़ा सा पाकुड़ स्टेशन के आगे जाएंगे और मार्केट दिखाएंगे कैसा मार्केट है। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं आगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिएगा प्रेस। तो चलिए चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं यहाँ पे पाकुड़ स्टेशन कैसा। तो फ्रेंड अगर हम आप लोग को दिखाएं तो यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से अभी कोयला यहाँ से अभी जा रही है, जो कि इस मालगाड़ी में कोयला ही रखा हुआ, उस साइड से एक ट्रेन जा रही है जैसा कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, जो कि अभी स्टेशन पर अभी हो सकता है रुकेगी या जा भी सकती है, पता नहीं वो कौन सा ट्रेन है अभी। तो चलिए आप लोग को हम दिखाते हैं यहाँ पे पाकुड़ स्टेशन का व्यू, यहाँ पे कितना अच्छा है और यहाँ पे कैसा सीन है ये आप लोग को हम दिखाएंगे। और जो कि ये ट्रेन अभी, ये मालगाड़ी आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, ये अभी जा रही है। तो फिलहाल चलिए हम आप लोग को आगे जाके दिखाते हैं कि आगे यहाँ पे पाकुड़ स्टेशन का कैसा सीन है, जो कि 7-8 महीना बाद हम आए हुए हैं पाकुड़ स्टेशन, और फिर से आपको हम यहाँ पे दिखाएंगे कि यहाँ पे 7 से 8 महीना में यहाँ पे क्या चीज़ बदलाव हुआ है। यहाँ पे दिखाएं तो आप लोग को यहाँ पे भी दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक नल पानी पीने के लिए बन रहा है, जहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है पब्लिक को पानी वगैरह पीने में, क्योंकि बहुत दूर जाने के बाद आप लोग को आगे मिलेगा पानी पीने के लिए। तो यहाँ पे भी एक पानी पीने के लिए बनाया जा रहा है पाकुड़ स्टेशन पे। और उसके बाद फिर ये चीज़ बदलाव किया गया है, कुछ दिन पहले ही किया गया है, नया बनाया गया है, अभी पुराना हो गया है, फिर भी 3-4 महीना पहले लगाया हुआ होगा, ये लगाया गया है क्योंकि इस साइड इस पे बैठने के लिए ये दिया हुआ नहीं था, फिलहाल हमें इतना ही लगता है। और यहाँ पे मरकरी वगैरह यहाँ पे लगाया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। तो चलिए आप लोग को हम दिखाते हैं यहाँ पे कैसा सीन है, ये देखिए यहाँ से आगे तक पाकुड़ स्टेशन पे इसी तरह का पूरा आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ से अभी दो मालगाड़ी खुल चुकी है, उस साइड से भी और इस साइड से भी मालगाड़ी खुल चुकी है। तो चलिए चलते हैं आगे और आप लोग को आगे भी जाके हम दिखाएंगे। अभी हम 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे हैं पाकुड़ स्टेशन पे। तो फ्रेंड अगर हम आप लोग को इधर दिखाएं तो इधर भी आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ भी पानी पीने के लिए थोड़ा थोड़ा दूर पे यहाँ पे बनाया जा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है, पब्लिक को पानी पीने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा अगर बगल बगल में ही बना हुआ रहेगा, क्योंकि आप लोग को पता है ट्रेन से अगर आप लोग उतरते होंगे तो बहुत दूर आप लोग को पड़ जाता होगा पानी लाने के लिए, तो उस टाइम ट्रेन खुल के चल जाता है तो आप लोग को ट्रेन पे चढ़ने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। पाकुड़ स्टेशन के बगल में ही यहाँ पे आप लोग को एक पोखर मिल जाता है, जो कि पोखर में अभी पानी भरा हुआ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे पूरा यहाँ पे आप लोग देख लिया, पोखर में भी फिलहाल अभी पानी अभी भरा हुआ है। और यहाँ पे बिल्कुल ये नया मतलब ये लगाया गया है, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, और नाइट के टाइम में स्टेशन और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि लाइट पूरा स्टेशन पर लगाया हुआ है। और साफ़ सुथरा का बात करें तो यहाँ पे आप लोग को स्टेशन पे पूरा साफ़ सुथरा ही दिखाई दे रहा होगा, और स्टेशन पे अभी काम चल रहा है तो इसीलिए आप लोग को यहाँ पे बोरिया वगैरह यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जो कि सीमेंट का बालू का यहाँ पे बोरा यहाँ पे रखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी पानी पीने के लिए यहाँ पे जगह है, जो कि यहाँ से आके पब्लिक लोग यहाँ से पानी पी सकते हैं, 1 नंबर से स्टार्ट होता है, यहाँ से 5 नंबर तक है, इसको दबाने के बाद यहाँ से पानी निकलता है। तो चलिए चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं पाकुड़ का 1 नंबर प्लेटफॉर्म कैसा है। अगर हम दिखाएं तो यहाँ पे देख पा रहे हैं इधर क्वार्टर है, तो अभी हम 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे हैं पाकुड़ का। और आगे दिखाएं तो अभी जो ट्रेन जा रही थी वो ट्रेन अभी रुकी हुई है वहाँ पे, आप लोग को हम जूम करके दिखाना चाहते हैं। Thank you.
तो फ्रेंड अगर हम बात करें पाकुड़ स्टेशन के बारे में, तो पाकुड़ स्टेशन पे थोड़ा थोड़ा दूर पे ही यहाँ पे आप लोग को पानी पीने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पे महिला शौचालय या पुरुष शौचालय यहाँ पे बना हुआ है। तो थोड़ा थोड़ा दूर पे यहाँ पे पानी पीने के लिए आप लोग को मिल जाता है, जैसा कि दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से मतलब आप लोग 10 डेग चलिएगा तो 10 डेग पे आप लोग को पानी पीने के लिए मिल जाता है जगह। मतलब एक बोगी के द्वारा पे मतलब यहाँ पे पानी पीने के लिए जगह बनाया गया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ भी बना हुआ है पानी पीने के लिए जगह। और फिर अगर हम आप लोग आगे दिखाएं तो आगे भी आप लोग को कुछ दूर पे वहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जो कि एक बोगी के डिस्टेंस पे मतलब बनाया गया है। और अभी हमें पाकुड़ स्टेशन के एक नंबर प्लेटफॉर्म पे, और वहाँ पे जहाँ पे पब्लिक बैठे हुए थे वहाँ पे पंखा चल रहा था, और जहाँ पे पब्लिक नहीं है वहाँ पे पंखा बंद है, आप लोग देख पा रहे होंगे। और उधर वाला प्लेटफॉर्म 2 नंबर और 3 नंबर प्लेटफॉर्म है पाकुड़ स्टेशन का। दिखाएं तो कुछ दूर पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे पानी पीने के लिए यहाँ पे जगह फिर से है। तो पाकुड़ स्टेशन काफी साफ सुथरा स्टेशन है, और पानी पीने के लिए भी जगह यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दूर पे ही मतलब दिया हुआ है। और यहाँ पे रेलवे थाना, गाछ वगैरह भी काटा हुआ है। तो फ्रेंड यहाँ पे दिखाएं तो आप लोग देख पा रहे होंगे स्टेशन काफी साफ सुथरा है। और उस साइड भी अगर स्टेशन को दिखाएं आप लोग को, तो अभी उस साइड आप लोग को पब्लिक का भीड़ नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि अभी जितने सारे अभी ट्रेन आने वाली है सब एक नंबर पे ही आने वाली है, तो एक नंबर पे ही अभी पब्लिक का ज्यादा भीड़ है। यहाँ भी पानी पीने के लिए जगह बनाया गया है। तो चलिए चलते हैं अभी स्टेशन के बाहर, और स्टेशन का अंदर का सीन आप लोग देख लीजिए कैसा है। और इधर से आप लोग को मिल जाता है पाकुड़ स्टेशन से बाहर जाने का रास्ता। और बाहर आने के बाद यहाँ पे आप लोग को मिल जाता है टिकट कटाने के लिए जगह, टिकट काउंटर, जहाँ से आप लोग टिकट कटा सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे टिकट कटाने के लिए यहाँ पे 2-3 खिड़की यहाँ पे है, 4 खिड़की, जो कि काफ़ी अच्छा है। और ये यहाँ पे पाकुड़ स्टेशन पे ये वेटिंग रूम है, वेटिंग रूम भी आप लोग देख पा रहे होंगे, शौचालय वगैरह इसी में है। और यहाँ पे 4 खिड़की है टिकट कटाने के लिए। और यहाँ पे आप लोग को बाहर में मिल जाता है हनुमान मंदिर, जो कि काफ़ी अच्छा हनुमान मंदिर है, आप लोग को हम दिखाना चाहेंगे। तो यहाँ से आप लोग दर्शन कर पा रहे होंगे हनुमान, बजरंगबली से आप लोग देख पा रहे होंगे हनुमान मंदिर आप लोग को मिल जाता है स्टेशन के जस्ट बाहर में ही, पाकुड़ स्टेशन के। और इस साइड आप लोग को पड़ जाता है मार्केट। तो चलिए थोड़ा दूर हम इधर भी चलेंगे और आप लोग को दिखाएंगे इधर भी जाके। तो फ्रेंड पाकुड़ स्टेशन के बाहर आने के बाद आप लोग यहाँ का सीन देख पा रहे होंगे, जो कि जस्ट अभी हम लोग बजरंगबली मंदिर के पास अभी खड़े हैं। और यहाँ पे काफ़ी बड़ा मंदिर है, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। स्टेशन से बाहर निकलते के साथ ही यहाँ पे आप लोग को एक बजरंगबली का मंदिर मिल जाता है। और स्टेशन के बाहर में ही आप लोग को यहाँ पे 4 खिड़की मिलता है, जो कि टिकट काउंटर, यहाँ से आप लोग टिकट कटा के पाकुड़ स्टेशन के अंदर जा सकते हैं। और पाकुड़ स्टेशन काफ़ी अच्छा स्टेशन है और देखने में काफ़ी साफ सुथरा है। और यहाँ पे और भी पाकुड़ स्टेशन को और भी अच्छा किया जा रहा है, और भी चमकाया जा रहा है देखने में, जो कि और भी अच्छा लगेगा। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा, जो कि पाकुड़ स्टेशन का वीडियो। चलिए मार्केट चलते हैं अभी पाकुड़ मार्केट, और दिखाते हैं पाकुड़ मार्केट कैसा मार्केट है। तो वीडियो में बनी रहिए, तो चलिए चलते हैं आगे। अभी हम पाकुड़ स्टेशन के बाहर आ चुके हैं, और पाकुड़ स्टेशन आप लोग को इस साइड मिल जाता है। बाहर से आप लोग पाकुड़ स्टेशन का व्यू देखिए, जो कि काफ़ी अच्छा है।
तो पाकुड़ स्टेशन के बाहर में ही आप लोग को यहाँ पे रिक्शा वगैरह मिलता है, आगे आप लोग को टेम्पू वगैरह यहाँ पे लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए चलते हैं आगे और आप लोग को आगे जाके दिखाते हैं। यहाँ पे आप लोग को टेम्पू स्टैंड मिल जाता है, जो कि यहाँ पे टेम्पू वगैरह यहाँ पे लगा हुआ है पाकुड़ स्टेशन के बाहर में। और आगे आप लोग को मार्केट मिलेगा कुछ दूर आगे जाने के बाद। तो फ्रेंड अभी हमें पाकुड़ मार्केट में, और पाकुड़ मार्केट आप लोग देख पा रहे हैं कैसा है। अगर आप लोग आगे जाइएगा तो आगे आप लोग को मॉल वगैरह मिल जाता है यहाँ पे। तो अभी हम लोग गांधी चौक पाकुड़ के पास खड़े हैं, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा गांधी चौक। फिलहाल अभी हम चौक पे खड़े हैं, और इधर दिखाएं तो इधर भी आप लोग देख पा रहे हैं, इस साइड पाकुड़ स्टेशन आप लोग को मिल जाता है। फ्रेंड अभी हम गांधी चौक के पास खड़े हैं, आप लोग को दिखाएं पाकुड़ स्टेशन कैसा है, और यहाँ पे मार्केट भी आप लोग को दिखाएं, जो कि गांधी चौक के पास से आके। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कॉमेंट में बताइएगा। अगर फ्रेंड आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिएगा प्रेस। और पाकुड़ स्टेशन में अगर बात करें तो पाकुड़ स्टेशन पे अभी आप लोग को हम दिखाएं, अभी काम चल रहा है कुछ, तो इसलिए वहाँ पे बोरा वगैरह रखा हुआ था काफ़ी, लेकिन काफ़ी साफ़ सुथरा स्टेशन है पाकुड़ स्टेशन। और बात करें यहाँ पे मार्केट का, तो मार्केट भी आप लोग देख पा रहे हैं काफ़ी बड़ा मार्केट है, और देखने में भी मार्केट काफ़ी अच्छा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिएगा प्रेस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।